हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी फायर जीके में। और आज से करंट अफेयर का हमारा जो वीडियो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो आज एक तो पहला करंट अफेयर का वीडियो है इस चैनल में। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। फर्स्ट वीडियो करंट अफेयर का स्टार्ट हो रहा है आज से। और अगर आपका सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो इस तरह से कंटिन्यू आपका वीडियो ही अपलोड किए जाएंगे करंट अफेयर संबंधित। और आज जो करंट अफेयर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ओलंपिक 2020 जो चल रहा है अभी टोक्यो के जो जापान में, उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो भी करंट अफेयर से बनने वाले हैं या जो बन चुके हैं। ओके, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही कम समय में कम्प्लीट करेंगे वो सारे प्रश्न जो बन चुके हैं अभी। ओके, फिर आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ओलंपिक खेल 2021-20, जो ओलंपिक खेल का आयोजन होना था दोस्तों, ये 2020 में ही होना था टोक्यो जापान में, लेकिन कुछ कोरोना वायरस की वजह से ये 2021 में आयोजन किया जा रहा है। तो आप इतना याद रखिएगा, 2020 के ओलंपिक जो खेल हैं वो 2021 में आयोजित किए जा रहे हैं और जापान में आयोजित हो रहे हैं, टोक्यो जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो में। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। और इसके बाद पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 2021 में होने वाले ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जा रहे हैं, या ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जा रहे हैं? तो आप इतना याद रखिएगा, 2021 के जो ओलंपिक खेल हैं वो टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर सेकेंड की बात करेंगे। तो ये प्रश्न नंबर सेकेंड हो जाएगा, टोक्यो ओलंपिक 2021 की उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दो लोग हैं उद्घाटन समारोह में, दो ध्वजवाहक हैं, दो लोग हैं, एक मेरी कॉम और ये मनप्रीत सिंह। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का अगर या 2021 का शुभंकर की बात करेंगे तो इसका नाम है मिराई तोवा। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का है, 2021 का शुभंकर है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। टोक्यो ओलंपिक खेल 2021 या 20 का आदर्श भाग क्या है? तो आदर्श भाग क्या है दोस्तों, यूनाइटेड बाय इमोशन, इसका आदर्श भाग है टोक्यो ओलंपिक 2021 का, आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक पाने वाली प्रथम महिला बनी हुई है। तो सबसे कम उम्र में एक महिला है जो टोक्यो जापान से ही बिलोंग करती है, और इनका नाम है मेमोजी, आपको नाम याद रखना है, मेमोजी निसिया। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने गोल्ड मेडल पाया है, तो आप याद रखिए, सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में, और कहाँ से संबंध रखती हैं, जापान से, टोक्यो जापान से। ओके, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन से 4 नए खेलों को शामिल किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये 4 खेलों को नया अभी दर्जा मिला हुआ ओलंपिक में, तो कौन से खेल हैं उनको याद रखिएगा आप। एक तो पहला कराटे हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा स्केटबोर्डिंग हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा सर्फिंग, और चौथा जो 4 नंबर का खेल है जो शामिल किया गया है वो सपोर्ट क्लाइंबिंग। तो आप ये चारों खेलों को याद रखिएगा, क्योंकि चारों खेलों को पहली बार ही ये ओलंपिक में शामिल किया गया है। ओके दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, और पसंद आता है तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।